सिटी क्या होता है। तो ये जो पूरा जो लिखा है इसको तो पूरा आप याद करिए, बाकी समझिए भी क्या होता है पीरियोडिसिटी। सोच के आप क्या समझते हैं, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब जो कि बार बार आए, मतलब जो रिअकर हो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त सौर्य और मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, पीरियोडिक टेबल एंड वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो कि ICSE क्लास 10 का फिजिक्स का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो मैं ये जो नोट्स बनाया हूँ जैसा कि देख सकते हैं, इन्हीं में से पढ़ाऊंगा, जो कि ये सब नोट्स जो हैं ये सब मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे डॉबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मतलब इन सबसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनके नोट्स बनाए हैं किताब से, बिल्कुल समरी एक बना दी है बिल्कुल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। तो इसको मतलब इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरे एंड तक। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है डॉबेरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो इस लॉ मतलब इस लॉ के हिसाब से ना, कि मतलब जैसे जैसे बता दिया है इसने कि डॉबेरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो ट्राइड्स का मतलब आप समझ ही गए हैं कि मतलब ट्राइड्स मतलब क्या होता है, तीन, तीन का समूह। तो मतलब ट्राइड्स में जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे लिथियम लिया है, सोडियम लिया है और पोटेशियम लिया है। तो इस लॉ के हिसाब से ये लॉ ये कहता है कि जैसे ये ट्राइड्स हैं, तो जो पहले और तीसरे हैं एलिमेंट हैं, मतलब जैसे लिथियम है और पोटेशियम है, इनके जो एटॉमिक मास है 7 और 39, इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो ये सेकंड वाले के, मिडिल वाले के बिल्कुल सेम आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम का है 7+39 और इसका एवरेज निकाल लिया अपॉन 2, मतलब 2 है, तो इसका आएगा 46/2, जो कि आ जाएगा 23। तो आप देख सकते हैं ये जो एवरेज आया है ये बिल्कुल इसके एटॉमिक मास के बिल्कुल मतलब सेम आया, ये तो सेम आया। वैसे आप दूसरे का कोई देखेंगे तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, तो मतलब इसका आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम आया है। तो मतलब यही इस लॉ का यही कहना है कि मतलब जो मतलब पहले और तीसरे का जो एवरेज निकालेंगे वो दूसरे वाले मिडिल वाले के बिल्कुल रफली मतलब इक्वल आएगा बिल्कुल। तो अब दूसरे पे आते हैं, जैसे न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। अगर जो आप ये देख रहे हैं डेफिनेशन जो देख रहे हैं, इसको आप पूरे याद करिएगा, बोर्ड्स में आपको बहुत काम आएगा, इसको पूरा रट के जाइएगा, पूरा लिखना होगा इसमें। आप कोई भी मतलब ये ना सोचिएगा कि अरे आधा छोड़ देते हैं अपने से लिख के, अपने से लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन मतलब सही हो, मतलब कीवर्ड जो होते हैं इसमें तो आपको लिखना है। जैसे मैंने ब्लैक पेन से मैंने दिखाया है कि जो कीवर्ड है उनको आपको जरूर लिखना है। अब आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इस लॉ के हिसाब से ये लॉ ये कहना चाहता है, मतलब ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब आप समझ ही गए हैं कि आठ। तो ऑक्टेव मतलब इस लॉ के हिसाब से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस लॉ के हिसाब से ये लॉ ये कहता है कि जो पहला एलिमेंट होगा और जो आठवां एलिमेंट होगा, इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहेंगी। तो इस लॉ के हिसाब से यही है। तो मतलब जैसे बताएं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑफ एटॉमिक मास, विद एवरी 8th एलिमेंट बिगनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिसेम्बल्स द फर्स्ट फर्स्ट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम वे एज द 8th नोट ऑफ ऑन अ म्यूजिकल स्केल रिसेम्बल्स द फर्स्ट वन। तो मतलब ये कुल मिला के ये कहना चाहता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो 8th वाले एलिमेंट के बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकली भी और केमिकली भी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले में, ये इसमें यहाँ पे ये बताया कि कैसे फेल हो गया, मतलब इसमें बताया कि न्यूलैंड लॉ जो है वो फेल कैसे हो गया। वो फेल इसलिए हो गया था क्योंकि जब हैवियर बाद में जब एलिमेंट और डिस्कवर हुए, जैसे हैवियर एलिमेंट, तो उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं बची। जब ये मतलब बताया है कि मतलब जैसे कोई कोई हैवियर मेटल है जो कि यहाँ पे आना चाहिए एटॉमिक मास के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो जब इसकी बात जब किया गया तो उसके हिसाब से मतलब उसके इंक्रीजिंग है। अब कोई बीच में आप ऐसे चीटिंग तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे है कि 3 के बाद अगर अगर इसका नंबर है, जैसे अगर ये 20, 23 है और ये 25 है, अगर 24 वाले मिल गया तो इसको बीच मिलाना होगा, इसकी वजह से ये ब्रेक हो गया इसकी वजह से, नहीं तो फिर अगर ये 4 हुआ तो 5, 6 और यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही उसी वजह से इनका ये फेल हो गया था। तो यही बताया है कि बाद में फिर हमें फर्दर और फिर बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई फिर तो ये कतई फेल हो गया, तो इसकी वजह से ये वाला जो लॉ है ये भी फेल हो गया था। अब आते हैं डिमिट्री मेंडलीव लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसके हिसाब से मतलब देखो, इसमें भी मतलब सब में मतलब इन लोगों ने मतलब एटॉमिक मास को ही लेके चला है। तो मतलब ये डेफिनेशन है, इसको आप रख के जरूर जाइएगा। तो मतलब
इसको इतना इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट था डिमिट्री मेंडलीव का, जो अरेंजमेंट उन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाया था वो बहुत सही तरीके से बनाया था। उसमें उन्होंने ग्रुप ऑफ पीरियड का भी इस्तेमाल किया था, इस वजह से इनका जो पीरियडिक टेबल था ये मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में तो बहुत बढ़िया बना था। अब द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स लॉ, मतलब जो उनके जो ड्रॉबैक्स थे जो कि मतलब जो कि इनकी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल जो फेल हो गया उसका मतलब वो क्यों हुआ था उसके बारे में बताया कि वॉज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स सच एज रेयर अर्थ मेटल्स एंड आइसोटोप। जब मतलब इन्होंने जब बना दिया था तो मतलब तब लग रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब बाद में और एलिमेंट्स जैसे डिस्कवर हुए जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स जो कि मतलब एक्टिव मेटल्स के बिल्कुल बगल में होते हैं और आइसोटोप्स उनके, जब ये सब आए तब उनके बाद इनका जो लॉ ये जो था जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया तो वो बिल्कुल फेल हो गया था, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई मतलब फिर पूरा फेल हो गया। फिर उसके बाद आए थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिन्होंने जो हेनरी मोस्ले ने बनाया था। इस लॉ के हिसाब से ये लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। और सब जितने भी थे मेंडलीव थे, न्यूलैंड थे, डॉबिरेनर्स थे, डॉबिरेनर्स को चलिए छोड़ दीजिए, न्यूलैंड थे और डिमिट्री मेंडलीव थे, ये दोनों के हिसाब से ये दोनों के दोनों एटॉमिक मास को लेके चल रहे थे, ये सब मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लेके चल रहे थे। लेकिन जो जब मॉडर्न आया तो उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर को लेके चला गया, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल होती क्या है? तो पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ टेबुलर फॉर्म। तो ये आप समझ गए कि मतलब ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मतलब पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है केमिकल एलिमेंट्स का, मतलब एक ऑर्डर में, मतलब इनका एक ऑर्डर है केमिकल एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के मतलब एक अरेंजमेंट में है जो कि टेबुलर फॉर्म में है। ये इसके पास मतलब 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो जिन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। इट कैन बी यूज टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ये मतलब दो दो या तीन एलिमेंट के, दो या उनसे ज़्यादा मतलब एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को मतलब डिस्टिंग्विश करने या फिर उनके रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो IUPAC का मतलब फुल फॉर्म मतलब बोर्ड्स में पूछते नहीं लेकिन कभी मतलब आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका काम क्या होता है असलियत में? देखो इसका काम असलियत में होता है कि मतलब जो भी मतलब नए नए एलिमेंट्स आते रहते हैं जैसे 113, 14, 18, जितने भी एलिमेंट जितने भी आ चुके हैं मतलब आए हैं मतलब इस पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद, तो जहाँ सेट करना चाहिए मतलब जिस जगह मतलब लगाना चाहिए कि एलिमेंट किधर होना चाहिए, कौन से ग्रुप में होना चाहिए, तो वो काम इनको मिला है IUPAC को। तो यही इनका काम और भी है लेकिन मेनली इनका काम यही है और आपको जानना भी सिर्फ इतना ही चाहिए, इसे मैं आपके नॉलेज के लिए सिर्फ दिया हूँ। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर आते हैं एक्टिनाइड्स आर ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव इन एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जो आपका आता है यूरेनियम जो कि सबसे खतरनाक है, जानते ही हैं यूरेनियम। फिर आता है लैंथेनाइड्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो मतलब लैंथेनाइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें आपका आता है सीरियम भी आता है एग्जाम्पल के तौर पे, सीरियम जिसको हम लोग CE भी कहते हैं, CE, तो सीरियम। हाँ तो अब आते हैं द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर नोन एज नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है सब ग्रुप ए। रुकिए मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल ही ले आता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ले आया हूँ, तो इसने क्या बोला है सब ग्रुप ए। तो सब ग्रुप ए जैसे सब ग्रुप ए है जैसे ये है, तो सब ग्रुप ए जितने भी मतलब एक दो जितने ए सब ग्रुप मतलब ये पूरा मैं सब ग्रुप है, ये सब के सब ग्रुप है, मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप है, इसमें भी सब ग्रुप ए होता है। एक ए है जो कि मतलब यहाँ से लेकर ये दो है और ये चार है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 6 7 8, 8 है सब ग्रुप ए वाले, और जो जो यहाँ पे है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहते हैं सब ग्रुप बी, ये सब सब ग्रुप बी में आते हैं। तो यहाँ बताया है इसने कि जो सब ग्रुप ए में आते हैं 1 2 3 जितने 8 हैं, तो ये जो सब ग्रुप ए में आते हैं इनको नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जहाँ की वेयर एज एलिमेंट्स जो कि मतलब जो यहाँ ट्रांजिशन वाले हैं सब ग्रुप बी वालों को यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो
फिर बताया लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड प्लेसिंग देम इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल विल नॉट ओनली बी कंफ्यूजिंग बट विल डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये वाला जैसे जो बोरॉन है इसकी क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है एल्यूमिनियम, वैसे इसकी 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 इसकी, तो मतलब ये सब की है, मतलब सिमिलर एक तरह के सिमिलर प्रॉपर्टीज है। मतलब पीरियोडिक टेबल को ऐसा बनाने की पूरी कोशिश की गई और बना भी है काफी हद तक। तो जैसे कि देख सकते हैं अगर लैंथेनाइट सीरीज के अगर सारे एलिमेंट जो है ये अगर इनको यहाँ पे डाल दे तो ये जो मतलब जो बन रहा है यहाँ पे जो बनने जा रहा था, मतलब यहाँ पे अगर ये आ जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब वो हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी, पूरा मेरा पीरियोडिक टेबल खराब हो जाएगा। इसी वजह से इन लोगों ने इस सीरीज को अलग मतलब पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा है, इसीलिए इसको बाहर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, बिल्कुल आता है, इसको याद कर लीजिए जितना हो सके। और फिर आते हैं सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। तो मतलब इसमें मतलब पीरियड मतलब जानते हैं पीरियड यहाँ से ऐसे ऐसे चालू होते हैं, तो ये जो सेकेंड पीरियड है इसको ये लोग कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ के जो जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मतलब सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं इनको ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। और फिर थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो जो थर्ड पीरियड के होते हैं एन ए एम जी सब सोडियम एल्यूमिनियम सब जितने भी हैं, तो इन सब जो मतलब जो थर्ड पीरियड है इसके एलिमेंट्स को ये लोग कहते हैं टिपिकल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और अब बता रहे हैं, अब ये याद करिए कि द लॉन्गेस्ट पीरियड इज ऑफ 32 एलिमेंट्स एंड इट इज द सिक्स्थ पीरियड। तो सिक्स्थ पीरियड है 1 2 3 4 5 6, तो ये सीजियम वाला जो है, ये सीजियम वाला जो ये है ये मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब एलिमेंट्स रखता है एक पीरियड में, 32 जो कि है लैंथेनाइट सीरीज ने भी बहुत मतलब रख दिया है। तो इसके ये इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब इनके जो भी मतलब एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसी में है, 32 एलिमेंट्स हैं। अब आगे अपडेट होके तो और आते रहेंगे, लेकिन अभी जो है लॉन्गेस्ट जो पीरियड जो कि आपको अगर बोर्ड पे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना है 32 जो कि सिक्स्थ पीरियड है, ये आपको लिखना है। अब दूसरा जो कि बहुत मेन सवाल है पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो ये जो पूरा जो लिखा है इसको तो पूरा आप याद करिए, बाकी समझिए भी क्या होता है पीरियोडिसिटी। सोच के आप क्या समझते हैं, मतलब पीरियोडिसिटी मतलब जो कि बार बार आए, मतलब जो रीअकर हो, मतलब जो मतलब एक इंटरवल के बाद फिर से आए। तो मतलब जैसे देख सकते हैं द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल। तो इसका कुल मिला के यही कहना है कि मतलब जैसे जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एनए मतलब इसकी भी मतलब आएगी, मतलब एक इंटरवल मतलब चलता रहेगा फिर पीरियोडिसिटी वापस आएगी, मतलब पीरियोडिसिटी होगा। तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद फिर से जो लिथियम की प्रॉपर्टी है उसी के सिमिलर एनए वाली प्रॉपर्टी आएगी। हाइड्रोजन इस मामले में एक्सेप्शन है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी वही ये होता है पीरियोडिसिटी, इसका डेफिनेशन बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फिर आता है द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मतलब क्या समझते हैं आप, मतलब जैसे लिथियम का है 2, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 और 1, वैसे ही अगर आप एन ए का लेंगे तो इसका आएगा 2 8 1। तो आखिरी में आप देख सकते हैं जैसे ये लिथियम का है और ये एन ए का है, तो आप देख सकते हैं इन लोगों का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों का, लिथियम और एनए का, तो इन दोनों के आखिरी में 1 1 आ रहा है, इसकी वजह से मतलब इन लोगों की जो प्रॉपर्टी वो सिमिलर हो जा रही है, और सिमिलर हो जा रही है तो पीरियोडिसिटी अकर हो रहा है। तो आप इतना समझ गए हैं होंगे ही, पक्का होंगे। अब आते हैं द प्रॉपर्टीज डेट शो पीरियोडिसिटी आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल्स होते हैं, एटॉमिक साइज होता है, मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी आईई, आईई का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है यही मतलब है, तो इनको याद करना बिल्कुल बहुत बेशक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर आते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर है, मतलब अभी मैं दिखाया था कि आपको एन ए का जो होता है वो 2 8 1 होता है, तो ये जो 1 है जो आउटर मोस्ट सेल में मतलब जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो अब बता रहे हैं कि पीरियड में मतलब कैसा वेरिएशन चलता है, मतलब कैसे, मतलब फैक्टर्स क्या, मतलब कैसे चलता है, मूविंग कैसे होती है। तो अगर आप मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आप देख सकते हैं एलिमेंट मतलब बढ़ता रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेल का सेल है सॉरी, ये सेल का साइज बढ़ता रहेगा, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और चलता रहेगा जो भी वो आएगा फ्लोरीन सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन का जैसे होता है कि 7 होता है, सॉरी 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, और ये ऑक्सीजन का 8 होता है। तो जितने मतलब ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतना ही साइज बढ़ता है, ये आपने अगर पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो भाई जाके पहले पढ़ लो। क्योंकि होता क्या है इनका, मतलब होता है कि जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही बड़ा सेल मतलब उसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस होता है, वो बढ़ता रहता है। तो ये आप अभी मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक साइज में, अभी आपको पढ़ा दूंगा, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर आता है अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में मतलब सारे मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेम होता है, मतलब जो ये है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब सारे वैलेंस सेल मतलब बिल्कुल सेम होते हैं, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो भी सेम रहता है। तो इसमें मतलब कोई मतलब वेरिएशन नहीं होता। अगर जैसे मैंने बताया था ना लिथियम का भी आखिरी में 1 आ रहा है, ये क्या कहते हैं सोडियम का भी 1 आ रहा है, और पोटेशियम भी इसके नीचे आता है तो उसका भी 1 ही आ रहा है। तो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो है वो सबका सेम है। हाँ अब आते हैं इलेक्ट्रॉन सेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन सेल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेल जो मैंने आपको बताया कि जो ये घूमने में जिसमें जो मतलब जो सेल एक मतलब ऑर्बिट होता है, जैसे अर्थ के लिए अगर ऑर्बिट होता है जिसमें वो सन वो अर्थ घूमता है मतलब रिवॉल्व करता है, वैसे एक सेल के मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी मतलब एक सेल होती है, ऑर्बिट होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सेल कहते हैं। यही होती है इलेक्ट्रॉन सेल, और ये बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट पे, उस ऑर्बिट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सेल कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब हम लोग पढ़े हुए हैं के एलिमेंट ओ मतलब पढ़ते हैं ना कि के है, फिर उसके बाद एक और आता है, फिर आता ऐसे आता रहता है। हाँ तो अब इलेक्ट्रॉन सेल का अगर हम लोग देखें पीरियड में उसका मतलब कैसा वेरिएशन मतलब कैसे चलता रहता है, तो इनका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल होता है वो रिमेन सेम रहता है इसमें, मतलब जो मतलब इनमें मतलब कोई मतलब वो नहीं होता कि मतलब इसमें बढ़ रहा है कम हो रहा है। लेकिन अगर वहीं आप बात कर लें ग्रुप की बात करें तो नीचे आते रहेंगे तो वैसे ही इसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करता रहेगा। मतलब जैसे लिथियम को मैंने बताया था 2 1 मतलब 3 होता है उसका एटॉमिक नंबर, वैसे उसका मतलब एन ए सोडियम एन ए का मतलब होता है 281। तो इसका आप जैसे देख सकते हैं एक सेल बढ़ गया, एक सेल, वैसे ही ये पोटेशियम का भी एक बढ़ जाएगा 2881। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो समझ ही गए होंगे। अब आते हैं अगले एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो एटॉमिक रेडियस का कुछ नहीं है, जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे ये मैंने एक शेल बनाया और ये एक ऑर्बिट बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया एक, तो ये कुछ मिला के बस बता रहा है कि द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। जैसे ये आउटर मोस्ट सेल है तो इतना जो ये जो डिस्टेंस बना इसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस, जो कि मैंने आपको पहले अभी बताया था उस वाले में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में, जो मैंने आपको वेरिएशन बताया था, ट्रेंड बताया था। तो यही है। तो अब बताया कि ये एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे करता है, तो पहला तो नंबर ऑफ सेल है, और जितना ही मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा वही मतलब उतना ही एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। और वहीं अगर बात करें न्यूक्लियस चार्ज की, तो न्यूक्लियस चार्ज जितना इंक्रीज करेगा उतना ही एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो ये बताना चाहता है, आप प्रोपोर्शनल समझ गए होंगे। फिर आते हैं अब एटॉमिक जो रेडियस होता है वो पीरियड में कैसे चलता है, तो पीरियड में होता क्या है इसमें उल्टा होता है, इसमें आप जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे ना तो बढ़े। फिर आते हैं ग्रुप में, फिर ग्रुप में है गोइंग डाउन, मतलब जब हम लोग ग्रुप में देखेंगे तो जो मतलब ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो साइज जो होगा वो कम हो बढ़ता रहेगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब पहले हम लोग जैसे लिथियम का देखेंगे, फिर एन ए का है, जैसे हम अगर जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा उतना ही आपका मतलब ये कम होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा, सॉरी ये मतलब जानते हैं सेल मतलब उतना ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2 सेल थे, यहाँ पे 3 सेल हो गए, तो बढ़ता रहा, मतलब जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ गया। तो यही आपको मतलब समझाना चाहता है कि ग्रुप में आपका ट्रेंड जो होता है वो अप टू डाउन मतलब इंक्रीज करता है, इसका मतलब एटॉमिक साइज। फिर आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, तो बचा
पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, कितना मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उसी को कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज, और कुछ नहीं कहते हैं। बस आपको थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा उल्टा सी और लंबा खींचना होगा, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, डेट इज़ द एटॉमिक नंबर, बस ये आपको लिखना है। और ये बताया कि हीलियम और जो सीजियम होता है, हीलियम और सीजियम हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का जो हीलियम है वो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट उसका एटॉमिक रेडियस होता है, और जो सीजियम है उसका मतलब लार्जेस्ट एटॉमिक वो एटॉमिक रेडियस होता है। रुकिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हीलियम, यहाँ पे ये हीलियम है और यहाँ पे है सीजियम है। रुकिए आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये तो हीलियम ये है, तो हीलियम मतलब यहाँ पे है, तो इसका जो रेडियस होगा सबसे मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है, और यहीं पे आप बिल्कुल इधर आ जाएं तो यहाँ पे आप सीजियम का देख सकते हो, सीजियम का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बनता है। ये थोड़ा मतलब एक्सेप्शन कहिए, क्या कहिए, मतलब नहीं है, मतलब इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में अभी छोटा है, तो ये मतलब इसका सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है एटॉमिक रेडियस वो सीजियम का है। अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर में, तो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन में जिनकी टेंडेंसी होती है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने को ऑक्सीडेशन में मतलब अंडरगो करना, मतलब ऑक्सीडेशन में मतलब जाना, उन्हीं को मतलब मेटेलिक, वही मतलब मेटल्स होते हैं, उनको मतलब मेटल हम लोग कंसिडर करते हैं, और उन्हीं में मेटेलिक कैरेक्टर होता है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब एक मतलब उनका मतलब एक वो होता है, कैरेक्टर होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें वो लोग मतलब उन लोगों के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, नॉन मेटल को दे दें, और वो मतलब ऑक्सीडेशन हो चले जाए, तो इसी को कहते हैं हम लोग मतलब इन्हीं को मतलब यही होते हैं मेटल, यही मेटल्स का काम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। फिर आता है हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन इकलौता एक्सेप्शन है बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ प्रोटॉन। तो मतलब ये कुल मिला के यही आप जान गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक गैस है, ये मेटल है नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, आप जान गए। पहला एक्सेप्शन आपको पीरा 10th क्लास में मिल गया है, तो ये पहला एक्सेप्शन है 10th क्लास का, जो कि है हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये गैस है लेकिन फिर भी इसके पास मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आप समझ गए होंगे, अब आते हैं अगले पे। हाँ, तो जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वही मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो एटॉमिक जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कम होएगी। तो अब आते हैं पीरियड में इसका क्या चलता है, पीरियड में इसका मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होगी, जानते हैं उससे मतलब राइट साइड जो होते हैं वो सब मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब है, तो मतलब वहाँ पे मतलब नॉन मेटल है ही, आप जानते ही हैं, तो उधर कम रहेगा। और अगर इस साइड आ जाएंगे लिथियम नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन कह रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जानते हैं वहाँ सब मेटल ही मेटल है, इसीलिए ये बड़ा आसान है। तो यहाँ पे मेटल मतलब लेफ्ट साइड में आपको मेटल मिलेंगे, और दूसरा अगर आप राइट साइड जाएंगे तो नॉन मेटल। वहीं अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में मतलब जैसे लिथियम है, लिथियम को अगर आप कंपैरिजन कर लें क्या इसके पोटेशियम के साथ ही या फिर Na के साथ ही सोडियम के साथ ही करेंगे, तो मतलब आपको ये पता चलेगा कि लिथियम जानती है कितना कितना ज़्यादा ही ताकतवर मतलब मेटल है, कितना ज़्यादा कुछ खास है नहीं अगर कंपेयर करें आप इन दोनों से। तो ये दोनों मतलब अगर अगर सोडियम को आप अगर कंपेयर करें पोटेशियम से, तो पोटेशियम ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड लिथियम के। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम नीचे जाएंगे तो इसकी मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती रहेगी, इंक्रीज करेगी अप टू डाउन जाएंगे जब। अब आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मतलब एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटेलिक। मतलब कुछ नहीं, बस उसमें क्या था, नॉन मेटेलिक में क्या था, उनके पास लूज करने की टेंडेंसी थी, इनके पास गेन करने की टेंडेंसी है, बस सही है, आपको बस रटना है और कुछ नहीं है, नॉन मेटेलिक समझ ही गए होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि अगर जितना ज़्यादा मतलब एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना ही कम मतलब इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ेगा तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं अगले पे। तो
पीरियड, अब पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड जैसे बताया है कि पीरियड में अगर आप इधर जाएंगे, मतलब जानते हैं इधर मेटल्स होते हैं और इधर नॉन मेटल, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, वैसे ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में अगर आप जैसे देख सकते हैं, जैसे जानते होंगे कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, उसके नीचे आता है SC, आप नहीं जानते होंगे तो बस हम सल्फर तक की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फर की, क्योंकि ऑक्सीजन जानते हैं ये गैस है भी, तो उसके मतलब जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, तो वही बताया है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होगी। वहीं आप अब चलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, छठे नंबर पे केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, मतलब रिएक्टिविटी जानते हैं जो मतलब रिएक्ट कर पाए, मतलब जो मतलब रिएक्शन जो होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब जो मतलब जैसे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो सब केमिकल रिएक्टिविटी हाई होती है उनकी। और अगर आप बात कर लें नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस की आप जानते हैं कुछ होती नहीं नोबल गैसेस की, तो वही बताना चाहता है, बस आपको डेफिनेशन याद कर लीजिए कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी, मतलब उनकी टेंडेंसी लूज अगेन करने की, उन कुछ भी मतलब लूज अगेन करने के इलेक्ट्रॉन उन्हीं आउटर मोस्ट सेल पे, उन्हीं को मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, उसी को केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। अब ग्रुप में अगर आप बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की, अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इसे जानते होंगे लिथियम के, जानते हैं लिथियम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू Na या फिर K का, या फिर सीजियम की ही बात कर लें, और सीजियम का तो CS होता था, तो अगर सीजियम की बात करें सीजियम बहुत ज़्यादा मतलब हाईली मतलब रिएक्टिव है जानते ही हैं, तो उसकी मतलब केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम या फिर सोडियम के। अब आते हैं, अगर पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो पहले ये इन डिक्रीज करेगा, पहले देखेंगे तो डिक्रीज करेगा, फिर बाद में ये तुरंत इंक्रीज करना चालू होगा, तो इसका ये थोड़ा मतलब एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, लेकिन यही इसका यही है कि पहले ये डिक्रीज करेगा फिर तुरंत इंक्रीज करना चालू कर देगा, ये है इस मतलब ये केमिकल रिएक्टिविटी है पीरियड, पीरियड में अगर बात करेंगे। फिर आते हैं, बताता है कि सीजन जो है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो मैंने अभी आपको बताया था, और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में आता है, जैसा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, पीरियोडिक टेबल, हाँ, तो सीजियम जैसा कि आप देख सकते हैं सीजियम यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, और वहीं फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में गिना जाता है, तो ये यही आप है तो जान गए होंगे। अब फिर बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है कि एनर्जी का, दोनों सेम ही है कोई अंतर नहीं है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कन्वर्ट इट इंटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसेस कैटाइन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कुछ नहीं है मतलब एक मतलब जैसे दो दो एटम है, तो ये है नॉन मेटल और ये है मेटल, तो नॉन मेटल को जितनी एनर्जी लग रही उसके मतलब एलिमेंट को खींचने में, मतलब उसके एटम को मतलब खींचने में, मतलब उसका जो वो वैलेंस वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने में जो एनर्जी लग रही है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कन्वर्ट इट इंटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसेस कैटाइन, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आप समझे होंगे। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में, जो कि EV मतलब ई स्मॉल EV अपॉन एटम में ऐसे लिखा जाता है, और इसकी SI यूनिट होती है किलो जूल मोल, मोल किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल होती है। अब आते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल, या फिर हम लोग कह सकते हैं 23.05 किलो कैलोरी पर मोल भी इसको कहा जाता है। ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो मतलब पहली जो एनर्जी एक पहले सेल को, जो पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगती है उसको उस वो ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पूछा जा सकता है। और अगर आप अगर दूसरा अगर दूसरे वाले अगर दो को निकालने में, अगर दूसरे को निकालने में, अगर जो दूसरे सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब आते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जो मतलब जो रेसिडुअल मतलब जो रखा हुआ है, मतलब जो उस एटम में मतलब जो एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो उस एटम में,
तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो मतलब एनर्जी लगती है, जो रिक्वायर्ड है उस रिमूव हटाने में, वन बाय वन अगर एक एक करके वो हटा रहा है तो मतलब वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब लग रही है उसके में। इट डिपेंड्स, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वही मतलब इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी घटेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अब पीरियड में बात कर लें हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि लिथियम की जो होती है वो आयोनाइजेशन मतलब खींचने की मतलब जो एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी, जानते हैं मेटल की एनर्जी कहाँ होती है खींचने की, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन या फिर हम लोग नाइट्रोजन ही ले लें, नाइट्रोजन इधर होना चाहिए। वैसे अगर अगर कंपेयर करेंगे तो लिथियम के कंपेरिजन में इन दोनों की जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है। वैसे ग्रुप में हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप में घटती रहेगी, मतलब जैसे मैं जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है एक तरफ और नीचे सल्फर है, तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कम्पेयर टू सल्फर का। तो अब आप बात करते हैं जैसे हीलियम, इसने बताया हीलियम का जो हाई वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाइएस्ट होती है, जहाँ की सीजियम का जो होती है वो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि अगर ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो वहीं इसका सबसे कम भी मतलब सबसे लोवेस्ट मतलब इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना है, जायज है। वैसे हीलियम फ्लोरिन, आप अगर पूछ रहे हैं फ्लोरिन क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एक ये कह सकते हैं एक एक्सेप्शन भी है या फिर वो एक एक्सेप्शन है, उसमें मतलब थोड़ा मतलब घोटाला है, क्योंकि उसमें क्या है उसमें फ्लोरीन है और क्लोरीन है, मतलब उस फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि क्लोरीन का ही फ्लोरीन से ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो कि एक एक्सेप्शन है। इसी वजह से अगर आप बात करेंगे तो हीलियम का सबसे ज़्यादा हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी वो है कि खींच रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो है जो रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज कर रही है एक इलेक्ट्रॉन को मतलब ऐड करने में, तो वही मतलब उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इट हैज ऑल्सो सेम यूनिट एज इन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, मतलब वही है मतलब अब खींच रहा है या फिर रिलीज कर रहा है यूनिट तो सेम ही लगेगी ना, तो वही बता रहा है कि सेम यूनिट है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की है। इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। अब पीरियड की बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में कैसा रहता है, तो पीरियड में अगर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में यहाँ पे ये घटेगा, जैसे देख सकते हैं ये घटता है। और अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम व्हेन कंबाइंड इनटू अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पार्ट्स पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब एक टेंडेंसी होती है, मतलब ये एटम की टेंडेंसी है कि वो कंबाइन मतलब कैसे करता है, मतलब वो व्हेन कंबाइंड इनटू अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पार्ट, मतलब ये मतलब इसकी प्रॉपर्टी की अट्रैक्ट करने की इसकी प्रॉपर्टी है कि मतलब एक मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी मतलब जो टेंडेंसी होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, बिल्कुल आके रहेगी बोर्ड्स में, 99% है, अब 1% पे देखेंगे जो होगा। तो ये डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी और ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा, मतलब अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा। वहीं अगर आप बात करें एटॉमिक साइज का, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा। तो पीरियड में अगर बात कर लें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। वहीं अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस व्हेन मूव्स डाउन, मतलब जब नीचे जाएंगे तो ये मतलब घटता रहेगा, मतलब घट जाएगा नीचे जाके ये घट जाएगा। अब ये सब थोड़े मतलब वो है थोड़े डेफिनेशन से, जैसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, नोबल गैसेस हैव बीन असाइंड जीरो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज, इन लोगों के पास में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती नहीं, कोई खींचने या रिलीज करने को है ही नहीं, जानते हैं बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल मजे में है, तो जानते ही हैं। तो जो नोबल गैस होते हैं उनके पास जीरो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज होती है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद कर लीजिए।
वैसे ये सब डेफिनेशन ये मैंने बस आप लोगों के लिए लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप याद कर लीजिएगा, मास नंबर क्या होता है ये याद कर लीजिएगा, और एलिमेंट्स विद एन अपॉन पी मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है अपॉन प्रोटॉन जो रेशियो आता है अगर ये 1.5 के ऊपर हो जाएगा तो ये मतलब वो मतलब उनको मतलब हम लोग अनस्टेबल कहते हैं या फिर कह सकते हैं वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग यूरेनियम का देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं कि देख सकते हैं जैसे 236/92 कितना आधा होगा, मतलब 1.5 तो बहुत ही ज़्यादा जानते हैं क्योंकि 1.5 तो होगा नहीं, ये 2 तो जाके आएगा, 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो जैसे देख सकते हैं तो मतलब कुल मिला के ये अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव है। तो यही बता रहा है, ये पूछा जा सकता है कभी कि एन अपॉन पी रेशियो के हिसाब से बताओ कितने मतलब इतना होना चाहिए जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव या फिर अनस्टेबल कहलाया जाएगा, तो ये आ सकता है। अब जैसा कि अगर आप एस चांद पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब एलिमेंट्स के जो भी हैं पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 5 पे और जो डिफरेंसेस हैं पेज नंबर 13 और 17 पे उसको याद जरूर कर लीजिएगा, वो बहुत मेन है, वो आ सकता है। अब थोड़ा ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैंने बिल्कुल मतलब बहुत साफ शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है कि पीरियड में आप जाएंगे तो अगर डिक्रीज अब जैसे डिक्रीज करेगा तो कौन कौन से अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, एटॉमिक साइज है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है तो ये इधर जाके डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर आप यहीं पर इंक्रीज की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे जाके इंक्रीज करेगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज करेंगे ये सब, लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे जाके तो ये है मतलब ये सब डिक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट आने में। वहीं अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जाएगा तो डिक्रीज करेगा, वहीं अगर आप बात करें कि अगर इंक्रीज की बात करें तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटैलिक कैरेक्टरिस्टिक और इंक्रीज करेगा, ये दोनों है जो इंक्रीज करेगा। तो ये तो इसको मैंने बहुत साफ शब्दों में मैंने इस पूरे मतलब इसको मतलब समरी को बनाने की कोशिश की, ये मैंने नोट्स बनाया है, इसका मैं PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं बाय। सो गाइज यार लाइक कर दो यार वीडियो में, बहुत मुश्किल से बनाया हुआ है ये नोट्स, अगर वीडियो जहाँ तक है मेरा केमिकल बॉन्डिंग पे आएगा, मैंने इसका देख सकते हैं नहीं दिखाऊंगा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पे जहाँ तक है अगला वीडियो आएगा तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जितना कर सकें कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई दोस्तों लोगों को अपने जैसे जाने वो लोग पढ़े पढ़ने बेचारे हैं, और PDF मैं भेज दूंगा जहाँ तक PDF जहाँ तक अगर PDF भेजता हूँ नहीं तो अगले वीडियो में जहाँ तक डाल दूंगा वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय बाय।